क्या में क्या भाई पुलिस स्टेशन एस पी आई एसपी साहब आए अब भैया विकास भाई माइक 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 लिख क्या अब गिरा दे 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 नहीं हवा निकला हां दे रहे ये सुन मार मेरे पूरे पीछे हो गए थोड़ी प्रॉम्प्ट एक्शन और मालिक लोग निकल रहे बताया जा रहा है कि 10 बजे आसपास का घटना हमारा जो पुलिस को हम लोग को रिपोर्ट मिला कि रात करीब 11 बजे ट्रिम्स में कोई ऐसे इंसिडेंट का कुछ दुर्घटना का खबर मिला तो हमारा पुलिस यहाँ से गया और हम लोग जैसे उनका जो डिजीज का पेरेंट्स है जो FIR जो लिखा उसी हिसाब से हम लोग ने कानूनी कार्रवाई किया और हम लोग ने उसको फॉर्मल जो पोस्टमार्टम यह सब आज हम लोग कंडक्ट करके डेड बॉडी को डिजीज का जो पेरेंट को हैंड ओवर कर दिया और आगे जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चे का कुछ डिटेल्स हो सकता है क्या, कितना उम्र का था, मेल फीमेल? बच्चा जो आप देख रहे हैं ये पीछे जो ये स्कूल है ये राइजिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल है, ये MC जगह है, ये द्विमुख पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन में आता है। बच्चा जो क्लास 6 का स्टूडेंट है और करीब 12 साल का
उम्र है उसका। और जैसे हम लोग अभी जैसे इन्वेस्टिगेशन क्योंकि चालू है, जैसे हम लोग को बताया जा रहा है, हम लोग दो इसमें उनके क्लास में मैच जो जैसे कि क्लास सिक्स का, तो जैसे एलिगेशन जो चल रहा है, जो दोनों एलेज एक्यूज को भी हम लोग बाय फॉलोइंग द प्रोसीड्यूर ऑफ जेजेबी का जो ले डाउन प्रोसीड्यूर के हिसाब से हम लोग ने उसको अभी डिटेन करके उसको जेजेबी बोर्ड जो उनका वहाँ हम लोग अभी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अभी जो जेजे जो बोर्ड है, जुबिनल जस्टिस बोर्ड, वो आगे जैसे हम लोग को इंस्ट्रक्शन देगा, हम लोग उसका कार्रवाई होगी। स्कूल अथॉरिटीज में या किसी को अभी तक अरेस्ट किया गया, प्रिंसिपल या किसी को, स्कूल को आप लोग ने कोई पुलिस का कार्रवाई स्कूल का ऊपर में भी सर अभी तक? देखो ये अभी हम लोग फिलहाल जो हॉस्टल वार्डन है और उसका बाद प्रिंसिपल है स्कूल का, क्योंकि जो स्कूल में जो दुर्घटना घटा है ये बहुत एक सनसनी वाला बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है। तो हम लोग केस को सीरियसली लेते हुए हम लोग हॉस्टल वार्डन और जो प्रिंसिपल को हम लोग अभी फिलहाल थाना में डिटेन करके रखा है, क्यों हम लोग उनको भी अभी इंट्रोगेशन हम लोग उसको पूछताछ हम लोग अभी कर रहा है कि कल का जो दुर्घटना है वो किस तरीका घटा है, कि उनका तरफ से कोई लैप्सेस है ना, तो ये क्योंकि बाकी हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है तो हम लोग अभी डिटेन करके पिला रखा है। लो एंड ऑर्डर कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आप लोगों ने कोई पेरेंट्स लोगों को डिसीज़ लोगों से बातचीत हुआ परिवार में? आज दिन में हमारा ओसी साहब, क्योंकि हम लोग हम और डीसी साहब हम लोग आज एयर शो था तो हम लोग वहाँ चला गया, तो हमने हमारा एसडीपीओ ओसी साहब हमारे टीम को लगा के हम भी खुद पर्सनली टेलीफोनिकली हमने जितना भी जो पेरेंट्स है हमारा पुलिस को भी और हम उनका जो डिजीज का जो फैमिली है उनसे भी संपर्क किया, और हम लोग ने ये एश्योरेंस दिया है कि हम लोग ये जो केस को हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंसी वे में हम लोग इसको इन्वेस्टिगेशन करेगा और हम लोग जितना होगा जस्टिस को हम लोग डिलीवर कराने के लिए हम लोग केस को मजबूती से बनाएंगे। जुबिनेश जिसको आप लोग ने इंटरव्यू किया, डिटेन किया, उनके द्वारा कुछ रिवील किया गया कि क्या इंसिडेंट हुआ? ये नहीं नहीं ये अभी इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, उसको अभी आपको हम पूरा डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू हुआ है, तो हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज में है, तो आपका माध्यम से हम सबको बताएगा तो इन्वेस्टिगेशन करने का कुछ पोस्टमार्टम की कुछ ऐसे आप लोग पोस्टमार्टम आज कंडक्ट किया है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ समय के बाद आएगा, उससे भी हम लोग को बहुत कुछ क्लू मिलेगा। इस स्कूल में इतनी बड़ी घटना हुई प्लस कुछ कुछ स्कूल की भी हम इश्यूज आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, अनऑथराइज तरीके से चल रहा है, ऐसा कुछ आपको खबर मिली? ये इंसिडेंट कल का जो हुआ है दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये स्कूल का जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का मामला है तो अभी ऑन द रिकॉर्ड आफ्टर कंफर्म चेकिंग चेक करने का बाद में रिकॉर्ड को उसका हम स्टेटस बता पाएगा, लेकिन ऐसे तो अनरजिस्टर्ड स्कूल नहीं चल रहा है, लेकिन वेदर जो अपडेट है ना नहीं है वो तो हम रिकॉर्ड को पता लगा लेगा और डीडीसी का तरफ से। तो स्कूल सुनने में आया है कि अराउंड 2019 से शुरू हुआ है, तो स्कूल ऐसे चल रहा था, को एजुकेशन है, छोटा छोटा बच्चा लोग था। तो कल का इंसिडेंट जो है हमको भी मेरा सर्कल ऑफिसर बताया था सुबह, जैसे हम लोगों ने आज एयर शो में पार्टिसिपेट किया तो अराउंड 12:30 में उन्होंने एक स्कूल को विजिट करके एक हमको रिपोर्ट दिया है, तो उस पर पता चलता है कि इंसिडेंट कल का है, और ऐसे करके जो इन्वॉल्व है या विक्टिम है तो ये लोग जुविनाइल है, छोटा बच्चा है, बेटियां है। सर एक चीज़ है क्योंकि अच्छा तो लगता नहीं है किसी का भी बच्चा का ऐसा घटना हो, तो क्या लगता नहीं है कि अनरजिस्टर्ड स्कूल्स भी है पापुमपारा डिस्ट्रिक्ट में, और क्योंकि डीडीएससी साहब आपके साथ में है तो क्या कार्रवाई करेंगे अभी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यदि ऐसा घटना हो रहा है? मैं आप लोग का माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अनरजिस्टर्ड स्कूल बिल्कुल चलाना नहीं है, दैट इज़ अनऑफिशियल। तो चला भी रहा है तो अपना ऊपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका ऊपर है। तो स्कूल में बहुत क्राइटेरिया होता है कि क्या क्या होना चाहिए, तो ऐसे में ये स्कूल जो खास करके ऐसे रजिस्टर्ड है ना नहीं है वो तो आपको ज़रूर मैं बताऊँगा,
लेकिन ऐसे स्कूल्स भी है कि अभी रजिस्ट्रेशन का अप्लाई एक दो मेरा ऑफिस में आ रहा है, तो उसको तो हम लोग छानबीन करके फिर उसका फील्ड रिपोर्ट बीईओ से या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से लेके हम लोग आगे रिकमेंड करता है। फिलहाल ये स्कूल का बारे में एग्जैक्ट स्टेटस हमको तो फिलहाल देखना पड़ेगा रिकॉर्ड से। सर, स्कूल का ऊपर में क्या कार्रवाई करने है आप, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है यहाँ पर। फिलहाल इमिडिएटली ये स्कूल में ऐसा घटना हुआ है तो मैं ये मानता हूँ कि ये स्कूल को फिलहाल सस्पेंड बंद किया जाए और अच्छा से इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और विक्टिम को जस्टिस मिले, मैं यही मेरा निर्णय है। सर, सीसीटीवी अलग अलग स्कूलों में हमने देखा, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये सब के लिए आप अगर कोई ऐसी इंसिडेंट होती है, पहले हमने ईटानगर में देखा संगे लादेव स्कूल में बच्चों को मारने का ये आया, अगर ऐसे के लिए आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे सब स्कूल के लिए? मैं यही बोलूँगा कि सब स्कूल में फायर सेफ्टी का, उसके बाद में ये सीसीटीवी कैमरा का होना मैंडेटरी है, क्योंकि जो भी इंसिडेंट होगा उसको हम लोग अभी फिलहाल ये स्कूल में हम लोग तो अंदर नहीं जा पाया, फिर भी इसमें प्रोविजन है ना नहीं है, अगर रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट अलाउ किया होगा तो जरूर इसमें भी कुछ होगा सीसीटीवी कैमरा वगैरह, तो इसलिए और भी कुछ होता है उसका सेफ्टी है, उसका क्या क्या मतलब उनको चाहिए, मतलब क्राइटेरिया जो SOP में है वो उसको तो जरूर करना है और इसमें भी हो सकता है। तो अभी हम आपने देखा कि SPV इंटरेक्टिव विद SP पापुम्पारे एंड डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पापुम्पारे इन्फॉर्म अस अबाउट दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वेयर अ स्कूल गर्ल ऑफ क्लास 6 शी वाज फाउंड डेड। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम द्विमुख। द्विमुख में है पापुम्पारे डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल के पास ही का इलाका है और ये जो स्कूल आप देख सकते हैं इंटरनेशनल स्कूल है। यहाँ पे एक घटना हुई, एक क्लास 6 की स्टूडेंट की मौत हो गई है, दो जुवेनाइल दो बच्चों को डिटेन किया गया पुलिस में से जाना, जो डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन है पापुम्पारे के TT तारा, उन्होंने बताया कि उनको भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन काफी यहाँ पे अभी स्कूल को देखिए आप, स्कूल को सील कर दिया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं हुआ। आई वॉज बिजी देयर एट एयरपोर्ट टुडे एट होलोंगी, तो उधर से मैं तुरंत आया, 2 बजे करीबन मुझे खबर एक सूचना दिया कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है तो एग्जाम को पोस्टपोन कर सकता है क्या, मुझे ऐसे बताया, तो उसके बाद मैं बोला उसको मैं अभी डिसीजन देने नहीं सकूंगा, तो लेट मी टॉक टू द हायर अथॉरिटी, तो ऐसे करके उसका बाद में फिर अभी तुरंत सेक्रेटरी सर से एक मैसेज आया कि जल्दी रिपोर्ट देने के लिए ना, तो इसलिए मैं भी अभी आया, मुझे कुछ आता पता नहीं। सर, कल यहाँ कुछ घटना हुआ जिसका बच्चा से एक बच्चा का देहांत हो गया सर, बहुत सीरियस इशू है सर, क्या स्कूल रजिस्ट्रेशन में कुछ ऐसा होता है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाला स्कूल भी चलता है सर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये रजिस्टर्ड स्कूल है सर। नहीं नहीं, स्कूल आई थिंक इट इज अंडर प्रोग्रेस, लास्ट ईयर आई विजिटेड दिस स्कूल रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ना, इसलिए हम कुछ सबमिशन कर दिया, लेकिन उसका अभी रिकॉग्नाइज हुआ है कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं है, तो कल पता लगाने से ही मालूम चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ है ना, तो ऐसे बिना रजिस्ट्रेशन तो स्कूल तो चलना नहीं चाहिए, लेकिन दे शुड ऑब्टेन एटलीस्ट NOC फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट टू रन द स्कूल, ये प्रोविजन है, आफ्टर गेटिंग NOC फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो स्कूल चला सकते हैं दो साल तक, उसका बाद वो स्कूल को रिकॉग्नाइज कराना चाहिए। यंग गर्ल, दिस इज द प्रोसीड्यूर्स, जो ये मर्डर हुआ यंग गर्ल का क्लास 6 की, इसके बारे में आपको? नो नो नो, आई डोंट नो एनीथिंग, अभी मुझे भी अभी खबर मिला है, उसके पहले मुझे कुछ खबर नहीं। सर, क्या देखा सर आप अभी? गेट तो क्लोज है, गेट डबल लॉक है गेट में, तो उसके बाद मुझे अभी पता चला कि ऑल दोज प्रिंसिपल एंड वार्ड्स आर अरेस्टेड, दे आर इन द पुलिस कस्टडी, तो आप अभी पुलिस को मिलेंगे? मैं जाऊंगा उधर जाकर के पूछताछ करूंगा, पुलिस से बात करूंगा और उसका रिपोर्ट में सबमिट करूंगा।